आईना, अब तू ही बता, कौन है इस दुनिया में सबसे खूबसूरत? लोग ये पूछते हैं, लेकिन इसके लिए न तो कोई खूबसूरत होता है और ना ही बदसूरत। आईना तो सिर्फ सच ही दिखाता है। एक हम ही हैं जो बार बार इस आईने से झूठ बोलते हैं। मेरी कहानी लगभग वैसी ही है जैसे मेरे जैसे लोगों की होती है। समाज में इज्जत नहीं, परिवार का प्यार नहीं, दोस्तों की दोस्ती नहीं, था तो बस एक नाम, छक्का। वैसे असली नाम था, खैर जाने दीजिए। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब मैं नौकरी की तलाश में निकली। इंग्लिश तो अच्छी थी ही मेरी, तो सोचा कॉल सेंटर में तो जॉब लग ही जाएगी, फोन के पीछे रहूंगी, सामने वाले को दिखूंगी ही नहीं तो अगला क्या जज करेगा। काम करूंगी, पैसे बनाऊंगी और घर आकर सो जाऊंगी। हेलो सर, माय ओनली वीकनेस इज दैट आई लव टू वर्क, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। Your company is one of the best in our country. लेकिन रिटन जैसा भी हो, इंटरव्यू में हमेशा रिजेक्ट कर दी जाती। किसी ने कहा, It is good, we will get back to you. तो किसी ने कहा, You are not having the personality we are looking for. किसी ने कहा, Currently, we do not have a place for you. We will contact you if we need your services. मुझे मालूम पड़ गया था, मुझे नौकरी न मिलने का कारण मेरा औरत जैसा दिखना, मेरा हाव भाव, मेरा बोलने का तरीका। लोग कहते, एक लड़का होकर ये सब करता है, कौन देगा इसको नौकरी? मरती क्या ना करती, पेट तो पालना ही था, ऐसा कब तक चलता। मैंने घर पर झूठ बोल दिया कि मेरी जॉब एक कॉल सेंटर में लग गई थी और नाइट ड्यूटी है, पर हकीकत ये थी कि मैंने सेक्स वर्क करना शुरू कर दिया था। सोचा शायद एक ट्रांस पर्सन होने का यही मतलब है और शायद यही एक काम है जो मैं लड़की बनकर कर सकती हूं। सोचा जैसे तैसे जिंदगी तो गुजार ही लूंगी। पर एक रात एक आदमी ने मुझे पिक करके अपने घर ले गया। बात तो सिर्फ एक की ही हुई थी, लेकिन वहां पर उसके चार दोस्त और भी थे। एक एक करके सबने मेरा रेप किया और मैं कुछ न कर सकी, कुछ न कर सकी मैं। इस हादसे के बाद मैं कई रातें सो नहीं पाई, अपने आप से अपने शरीर से घिनाने लगी थी, रह रह कर सहम जाती। घर में सिर्फ एक माँ थी जो सब कुछ समझती थी। मैंने उनको सब कुछ सच सच बता दिया। उस दिन बहुत रोए थे हम दोनों, बहुत ज्यादा रोए थे। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। उनका नाम प्रीत था। मेरी माँ के साथ आई थी मुझसे मिलने। वो एक एनजीओ में काम करती थी। उन्होंने बताया कि उनका एनजीओ ट्रांसजेंडर लोगों के साथ काम करता है। उन्होंने मुझे एक मनोवैज्ञानिक को रेफर किया। काफी समय लगा समझने में, संभलने में, मुस्कुराने में और हंसने में।
आज मैंने खुद को पहचाना है। आज मैं प्रीत जी की एनजीओ में काम करती हूँ एज अ काउंसलर। मुझे गर्व है अपने आप पे और अपने ट्रांसजेंडर होने पर। मगर सोचती हूं कि और लोग हैं मेरी तरह जिन्हें कोई काम नहीं देता। क्या समाज की मुख्य धारा में हमें काम मिल सकता है?